शर्मा। आइए देखते हैं आज क्या खास रहा बीकानेर में। बीकानेर में शाम तक 91 नए केस आए कोरोना पॉजिटिव। बीकानेर में हुए अपराधियों के हौसले बुलंद, शिफ्ट डिजायर गाड़ी को किया आग के हवाले। डूंगर कॉलेज में आयोजित हुई नेट की परीक्षा, एबीवीपी विद्यार्थी परिषद छात्रों ने किया पुष्प वर्षा। बीकानेर में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई नेट की परीक्षा। गंगा शहर में रविवार और सुबह हुई चैन स्नैचिंग वारदात। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय वेतन कटौती को लेकर रखी गई प्रेस वार्ता। अब खबरें विस्तार से। बीकानेर में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। जहां शनिवार को शाम तक 101 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, तो वहीं रविवार को सुबह पहली रिपोर्ट में 21 और दूसरी रिपोर्ट में 70 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। शाम होते होते दोनों रिपोर्ट मिलाकर 91 नए कोरोना पॉजिटिव केस अंकित किए गए। बीकानेर में लगातार हो रहे हैं अपराधियों के हौसले बुलंद। देर रात सदर थाना क्षेत्र में किराए पर गाड़ी नहीं देने से नाराज बदमाशों ने कार चालक के साथ मारपीट कर शिफ्ट डिजायर गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंची और पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर नामजद बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच में जुटी। तो वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। ये यूनिक स्कूल के पास है, एक ही समुदाय के लोग हैं मुस्लिम, इनका आपसी विवाद चल रहा था। हाँ, इनका आपसी वो क्या नाम है आपका नाम? अहमद। हाँ, अहमद जी के पास गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ी किराए पर ले जाने के लिए आए थे कि हमको जाना है, तो इन्होंने मना कर दिया। मना करने के बाद ये चार पांच जने आए, गाड़ी का पहले आगे का शीशा तोड़ा, उसके बाद में आज गाड़ी की आग लगा दी। जैसे पीछे से आज की घटना है ये। आइए दिखाते हैं क्या कहना है पूरे मामले में परिवादी अहमद का। गाड़ी चार पांच जने थे यहाँ, मैं गाड़ी धो रहा था, वो मेरे को आके बोलते हैं अजमेर चलना है, ठीक है। तो मैंने कहा गाड़ी मेरी सुबह की जोधपुर बुक थी, मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा मेरी गाड़ी सुबह बुक है तो मैं नहीं दे सकता। तब वो कहते हैं गाड़ी देनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं होगी, आज के बाद आग लगा देंगे, घर से चक्कर ले जाएंगे, ठीक है। फिर दे लोग, एक का नाम तौफिक है, तौफिक समीर अज्जू और नूर मोहम्मद मेहंदी हसन, वो एक उपमा नाम का है। इससे पहले भी क्या आपकी उनसे वार्तालाप? कोई बातचीत नहीं है मेरी। मैं तो आया था बुकिंग से, गाड़ी साफ कर रहा था रात को, वो आके गाड़ी क्लोज करने लगे, उसके बाद मेरे को मारपीट करने लग गए। सब शराब पिए हुए थे और उसके बाद वो मेरी जेब तलाश करने लग गए, मेरे को यहाँ मारा, ठीक है। उसके बाद भीड़ इकट्ठा, गाड़ी आज सुबह कितने बजे? 4 या 5 लगभग इसके बीच। रात्रि में आके गाड़ी जला के चले गए। परसों वो गेट जला के गए। बीकानेर में 22 केंद्रों पर नेट की परीक्षा आयोजित की गई। इसके लिए 6,500 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। तो वहीं दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक नीट परीक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान कोरोना एडवाइजरी का खास ख्याल रखा गया। कोरोना एडवाइजरी के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए परीक्षा केंद्रों पर गोल घेरे भी बनाए गए और थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। उसी के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। हमारे संवाददाता ने की परीक्षा केंद्र पर्यवेक्षक श्री शर्मा से बातचीत। परीक्षा का इंतजाम बिल्कुल कोविड गाइडलाइन के अनुरूप किए गए हैं। कॉलेज के बाहर 100 मीटर दूर ही बच्चा उतर रहा है और वहाँ से उसकी चेकिंग हो रही है। मेटल डेटर से चेक होने के बाद ही वो अंदर आ रहा है और अंदर आने पर रजिस्ट्रेशन रूम में अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है, सैनिटाइज हो रहा है और उसके बाद वो कमरे में आ रहा है। मास्क और ग्लव्स के बगैर उनकी एंट्री नहीं है और केंद्र पर जो काम कर रहे हैं उनके भी मास्क के बगैर कोई उनकी एंट्री नहीं है। कुल कितने विद्यार्थी हैं जो भाग ले रहे परीक्षा? 240 विद्यार्थियों का सेंटर है। हाँ, कुल कितने रूम है सर? 20 रूम है हर रूम। तो वहीं डूंगर कॉलेज महाविद्यालय में परीक्षा देने आए छात्रों का एबीवीपी छात्र संघ के द्वारा पुष्प वर्षा कर हौसला अफजाई की गई। तो वहीं एबीवीपी
छात्र संघ परिषद के छात्रों ने कहा कि कोरोना काल में भी परीक्षा करवाना सरकार के द्वारा एक साहसी कदम है। आइए दिखाते हैं आपको कुछ नजारे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तो नीट की जो एग्जाम हो रहे हैं उनके स्टूडेंट्स को जितने भी एग्जाम देने जा रहे हैं उनको शुभकामनाएं दी और बधाई दी है। और जो भी केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया था कि कोरोना काल में जो ज़रूरी एग्ज़ाम है वो होने हैं, तो जो फैसला किया उसका स्वागत करते हैं और हमने स्टूडेंट्स को बधाई और शुभकामनाएं दी है को अच्छे से पेपर दें और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। में चोरी की वारदात पिछले दिनों से ही बढ़ती जा रही है। गंगा शहर थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला के साथ स्नैचिंग की घटना सामने आई। बुजुर्ग महिला मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी, इसी दौरान दो स्कूटी सवार युवकों ने गले से सोने की चैन को तोड़ लिया और मौके से फरार हो गए। बुजुर्ग महिला ने पूरे मामले की शिकायत गंगा शहर थाने में की। गंगा शहर थाना अधिकारी अरविंद भारद्वाज ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जाँच की जा रही है। गंगा शहर थाना अधिकारी अरविंद भारद्वाज से बातचीत। सुबह 5:30 बजे एक बुजुर्ग महिला है जो मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी, तो 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक करके वो अपने घर के बाहर बैठी थी। कोई अज्ञात स्कूटी वालों ने उनके साथ में चैन खींच ली, जैसे उन्होंने घटना हमें बताई। इस संबंध में अभी तक कोई रिपोर्ट लिखित प्राप्त नहीं है, फिर भी हम लोग जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह उनमें देख रहे हैं घटना का पता। तो वही दिखाते हैं क्या कहना है पूरे मामले में बुजुर्ग महिला बसंती देवी का। मैं सुबह घूम रही 5:22 माते बैठा बैठन लग गई। दो लारे मारे छोरा दो जिको एमए टीओडी लेरी जिको बैके में बैठन लग गई। जितने मैं डोरो खींच ले दौड़ गया मुला दौड़ी चोर चोर कर गली वाला सबला भेड़ा हो गया। और एक जना भाग गए हमारे रिश्तेदार ये लारे अपन बो आता है कौन है। पछे पुलिस ने रिपोर्ट करी, जब पुलिस आई पुलिस पे देखे मारे गोड़ो देखे करूँ तो कोने में क्या है। पछे वे देख पर नाम लिख पर कार्रवाई करी देखी वे गया पुलिस तो डोर हो क्या मूर्ति और भी देखो अभी मैं नहीं मूर्ति गणेश जी मूर्ति है और डोरो है और गणेश जी मूर्ति का लोड़ी एकदम बड़ी सारी मूर्ति है हमारे गणेश जी की और कई कौन बैठे शक्ल देखी छोड़ रही है। शक्ल देखो मैं देखी कौन नहीं मैं तो कौन बैठो घबराएगी मैं तो बोली गागी बढ़ गई थोड़ा कौन दौड़ी जितते मार तो अंदर हो कि 5:22 में हो गया भाई थोड़ी गणी हुई। वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, बने रहिए हमारे साथ। ओ खाओ खिलाओ रिश्ते बनाओ रिश्ते बनाओ चाहे मीठा या नमकीन खिलाओ। अरे राजभोग या कोई मिठाई सोन पापड़ी क्या बात है भाई। अरे भुजिया पापड़िया चटपटी स्वाद लो नमकीन का बीका राम जान मल है स्वाद बीकानेर का। SDP Memorial School, co-educational English medium school. Excellent infrastructure, air-conditioned classrooms, smart classrooms, covered swimming pool. Well-equipped science lab, attractive and enhanced language and computer labs. Dance and music room, library, auditorium with a great accommodation. SDP Memorial School, Sri Dwarkapuri, inside Jasusar Gate, Bikaner. New campus, Sector 3, Muralidhar Vyas Nagar, Bikaner. Mobile 9983995831. 9983322831 9875273831 9610447606. हमारा यही है जतन, रहे स्वस्थ तन स्वस्थ मन, पिए जो अमृत मंथन, स्वस्थ हृदय स्वस्थ पाचन स्वस्थ काया स्वस्थ श्वसन। मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट का 80 वर्षों का अनुभव, हार्ट ब्लॉकेज कम करे और रक्तचाप नियंत्रित करे। अमृत मंथन, अमृत मंथन, मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट कंपनी, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर, कैलाश प्रोविजन स्टोर कोट गेट बीकानेर, हेल्पलाइन नंबर 9251231230, विजिट www.mohanjiherbals.com। ब्रेक के बाद आपका फिर से
स्वागत है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय वेतन कटौती को लेकर रखी प्रेस वार्ता। शिक्षक और कर्मचारी के वेतन से प्रति माह एक और दो दिन का वेतन कटौती कर मार्च में 16 दिनों के वेतन को स्थगित करने के अवकाश के नकदीकरण पर रोक लगाने से राज्य के शिक्षकों में रोष है। शिक्षक संघ राष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष संपत सिंह और महासचिव अरविंद व्यास, संगठन मंत्री पहल शर्मा के नेतृत्व में राज्य स्तर पर विभिन्न चरणों के माध्यम से विरोध दर्शाया गया। तो वहीं रविवार को संभाग मुख्यालय पर सरकार द्वारा शिक्षकों के किए जा रहे आर्थिक शोषण को बीकानेर संभाग मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर जाहिर किया गया। निर्णय राजस्थान के 405,633 शिक्षकों को वेतन कटौती की मार दी गई है। इस वेतन कटौती में पूरे राजस्थान के शिक्षक 1,27,910 रुपये, लगभग 1 वर्ष का कटौती दी गई है। राजस्थान की सरकार आर्थिक शोषण के माध्यम से राज्य के शिक्षकों को मारना चाहती है। राज्य के शिक्षकों के समान अन्य जो कर्मचारी हैं उनकी किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। वर्तमान में पुलिस और चिकित्सा विभाग के जो कार्मिक हैं उसी प्रकार से राजस्थान के शिक्षक चेकपोस्ट हो, होम आइसोलेशन हो, क्वारंटाइन सेंटर हो, या सर्वे कार्य हो, या राशन वितरण हो, इस प्रकार के अनेक प्रकार के 28 तरह के जो कार्य हैं उन कार्यों को शिक्षक ने राजस्थान सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया। लेकिन राजस्थान सरकार ने उसका परिणाम ये दिया कि शिक्षकों की वेतन कटौती काट ली, शिक्षकों का वेतन स्थगित कर दिया और उपार्जित अवकाश का नकदीकरण का जो भुगतान है उस पर रोक लगा दी। इस प्रकार से राजस्थान की सरकार आर्थिक शोषण कर शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है। इस अन्याय के खिलाफ राजस्थान का शिक्षक उद्वेलित है और इसी कारण से राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने शिक्षकों की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए 7 सितंबर 2020 को उपखंड अधिकारियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान भी आकृष्ट किया। उसके बाद काली पट्टी लगाकर ध्यान आकृष्ट किया, लेकिन अभी तक सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेगी। इसके विरोध में आज पूरे राजस्थान के संभाग मुख्यालयों पर शिक्षक संघ राष्ट्रीय उद्वेलित होकर प्रेस के माध्यम से शिक्षकों का जो आर्थिक शोषण है उसकी जानकारी दे रहा है। आगामी 16 तारीख को शिक्षक संघ राष्ट्रीय की एक स्थायी समिति की जो बैठक होगी उसमें और उग्र आंदोलन करने पर विचार किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा युवक संघ द्वारा आयोजित साप्ताहिक स्वच्छता अभियान के अंतर्गत रविवार को स्वच्छता अभियान के तीसरे चरण में करमेसर रोड स्थित महर्षि गौतम भवन को स्वच्छ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा युवक संघ के जिला अध्यक्ष प्रहलाद जोशी ने बताया कि भारत में कोरोना महामारी जैसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ रखना और आस पड़ोस का स्वच्छता के महत्व की शिक्षा देना बेहद जरूरी है। अंदर की सफाई व्यवस्था कर रही है युवा टीम, लगी हुई है। बीकानेर जिले के छतरगढ़ थाना अधिकारी पर दो युवकों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाते हुए छतरगढ़ और संसार देसर के ग्रामीणों ने छतरगढ़ पुलिस थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। छतरगढ़ थाना अधिकारी सुरेंद्र बारूपाल सहित अन्य दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की मांग की गई, साथ ही झूठे मुकदमे को वापस लेने की भी मांग की गई। घेराव और प्रदर्शन के दौरान राकेश जाखड़, नंदराम जाखड़ सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और नारेबाजी भी की गई। ग्रामीणों का कहना है कि थाना अधिकारी द्वारा इस तरह के झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं जिससे स्थानीय ग्रामीणों में भय व्याप्त है। अगर थाना अधिकारी को निलंबित नहीं किया गया तो ग्रामीण उग्र प्रदर्शन करेंगे। ये थानेदार बने हुए, थानेदार का मतलब इन्होंने थानेदार का मतलब बहुत बड़ा निकाल देगा, लेकिन हमारा जो थानेदार बहुत हमारा सेवक है, हमारा सेवक है, हमारी व्यवस्था कर रहे हैं। अगर हम व्यवस्थित नहीं है तो हम उनसे निवेदन करेंगे, हमारे जो आपस में दो पांच मिनट झगड़ा है ये आप छोड़ता दो, वो दिन का काम है। आइए दिखाते हैं आपको पूरे मामले में क्या कहना है ग्रामीणवासियों का। नहीं लगता कि थानेदार में काबिलियत है, थानेदार में काबिलियत है कि थाना चला लेगा। इसके बाद में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ भी हो सकता है आगे के लिए, इसलिए इनको तुरंत प्रभाव से निलंबित करें और यहाँ के लोगों को राहत प्रदान करें। दो चार दिन में यदि कार्रवाई नहीं होगी तो फिर अब की बार वापिस हजारों की संख्या में दोबारा सर्वे थाने का घेराव किया जाएगा। यहाँ सुनवाई नहीं हो सकता है, हमें एसपी साहब और कलेक्टर साहब के यहाँ भी घेराव करना पड़ेगा। तो उसमें
शराब के रूप में अंदर बंद कर दिया, एडमिशन दर्ज कर लिया, उसमें सभी धारा प्रावधान दर्ज किए और यहाँ भी हम थाना के बाहर जनता के रूप में घेराव है, हजारों की संख्या में किसान बैठे हैं, उनके बीच में ही 8-10 लोग आए जो पीड़ित लोग हैं, उन्होंने अपनी बात आप मीडिया सामने रखी है और अपना दर्द सुनाया, जो थाना अधिकारी है किस प्रकार से सुनिश्चित करते जा रहे हैं और हमारे शहर का शक्ति खत्म हो गया है। आज आपके माध्यम से जिला प्रशासन और राजस्थान के मुख्यमंत्री करेंगे कैसे थानेदार को यहाँ से बर्खास्त करें, यहाँ से हटाएं और अच्छे भोजन से। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला कार्य योजना की सेमी वर्चुअल बैठक रविवार को आयोजित की गई। जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बैठक में जिला प्रभारी ओम सारस्वत उपस्थित रहे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, संभाग प्रभारी माधुराम चौधरी वर्चुअल रूप से बैठक में उपस्थित हुए। तो वही विभिन्न सत्रों में लगभग 3 घंटे तक चली इस सेमी वर्चुअल बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, भाजपा संभाग प्रभारी माधुराम चौधरी सहित विभिन्न विषयों पर संबोधन दिया। बैठक का संचालन जिला मंत्री मनीष आचार्य ने किया। मुखर्जी के बलिदान दिवस को मनाते हैं, मैं आप सबके माध्यम से आभार प्रकट करना चाहता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी का, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, केंद्र सरकार के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए अंत्योदय संपन्न करने का हम प्रयास करें, प्रति महीना बूथ स्तर तक पूरा करते हैं। शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ बीकानेर के संभाग अध्यक्ष कमल नारायण आचार्य और जिला अध्यक्ष अविकांत पुरोहित अध्यक्षता में राज्य सरकार ने कर्मचारियों के वेतन कटौती के जो आदेश दिए गए उसके विरोध में 5 सूत्री मांगों को लेकर सरकारी कार्यालयों पर पोस्टर लगाकर विरोध किया जाएगा। पोस्टर का विमोचन वरिष्ठ कर्मचारी नेता कृष्ण कुमार बोहरा द्वारा किया जाएगा। शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ के जिला प्रचार मंत्री मनीष विधानी ने बताया कि संघ द्वारा पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री मुख्य सचिव वित्त को पत्र लिखा गया था, परंतु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। हमारे संवाददाता ने की शिक्षा विभाग कर्मचारी के प्रदेश संस्थापक मोहन व्यास से बातचीत। शिक्षा विभाग कर्मचारी संघ राजस्थान बीकानेर की संभाग शाखा एवं जिला शाखा के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को दोपहर भोजनावकाश के अंदर एक पोस्टर का विमोचन किया जाएगा, जिसमें ग्रेड पे 3600 की प्रमुख मांग और जो कटौती है उसके विरोध में पोस्टर के माध्यम से मांग पत्र और प्रदर्शन किया जाएगा। भोजनावकाश में कलेक्ट्रेट पर इसका विमोचन किया जाएगा, जिसका विमोचन हमारे वरिष्ठ साथी वरिष्ठ कर्मचारी नेता कृष्ण कुमार बोहरा के कर कमलों से किया जाएगा। सभी साथियों से अनुरोध है कि वो कोविड-19 का ध्यान रखें और कलेक्ट्रेट कार्यालय के अंदर पहुंचे। एक नजर फिर से आज की सुर्खियों पर। शाम तक 91 नए केस आए कोरोना पॉजिटिव। कनेर में हुए अपराधियों के हौसले बुलंद, शिफ्ट डिजायर गाड़ी को किया आग के हवाले। डूंगर कॉलेज में आयोजित हुई नेट की परीक्षा, एबीवीपी विद्यार्थी परिषद छात्रों ने किया पुष्प वर्षा। बीकानेर में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई नेट की परीक्षा। गंगा शहर में रविवार और सुबह हुई चैन स्नैचिंग वारदात। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय वेतन कटौती को लेकर रखी गई प्रेस वार्ता। बीकानेर की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीकानेर अब तक। शिवांगी शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।